खुशामदीद नाज़रीन। जहां पर एक तरफ लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर शास्त्रीपुरम इलाके और उसके अतराफ अकनाफ रहने वाले लोग इलाके में इंडस्ट्रीज की जानिब से छोड़ी जा रही हवाई आलूदगी से परेशान है। जीएचएमसी ने शास्त्रीपुरम और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में मौजूद इंडस्ट्रीज को सील कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आवाम का ये कहना है कि इन सील करदा इंडस्ट्रीज के मालिकीन देर रात अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का धुआं इलाके के लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाइस वो कई सारी बीमारियों में मुलविस हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंसारी रोड शास्त्रीपुरम से बात कर रही हूँ। ये कंपनियों की वजह से मैं बहुत पोल्यूशन हो जा रहा है कारखानों की वजह से मैं ये इसकी कंप्लेन हम लोग 4-5 बार करे लेकिन डे में नहीं चल रहा है, लेट नाइट चल रहा। सुबह में बहुत पोल्यूशन हो जा रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही, मच्छर हो जा रहे, बच्चों की तबीयत ख़राब, ज़्यादातर दम की शिकायत है या ये पोल्यूशन की वजह से मैं होते होते ये कैंसर में भी हो जाता, हम लोगों को इसका सामना करना पड़ता, कोई भी नहीं करते। इसलिए मेरी अवेसी साहब से और आला अहदेदारों से यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि ये पोल्यूशन ये जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त करें। और यहाँ हम लोग को तकलीफ हो रही, यहाँ आसपास हम लोग के मकान हैं, दूसरों के नहीं हैं। अब कोई भी बाहर की लेडीज़ आके ये मत ख़त्म करो, हम को मुश्किल हो रही, हम कारोबार वाले, हम रोज़गार है, वो उनका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनके रोज़गार की वजह से हम बीमार हो जाना, आप लेके जाओ कहीं और डालो, कहीं और चलाओ, सिटी के बाहर डालो, हम लोग बीमार हो के हम मर जाना क्या? वो कौन लेडीज़ है, किधर के है, यहाँ के नहीं है, ये बीमारी की वजह से हम को फेस करना पड़ रहा। इसलिए हम असद साहब से और सब आला अहदेदारों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सब औरतें आजू बाजू के लोग, कि ये गंदगी जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म करिए। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हम यहाँ पर शास्त्रीपुरम दानामा झोपड़ी, हम यहाँ से यहाँ पर रहने वाले हैं। हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है क्योंकि यहाँ के पॉल्यूशन से, यहाँ पर प्लास्टिक की कंपनियों में रात भर और रात में, पहले दिन में काम होता था, पहले हम कंप्लेन दिए थे, इसी वजह से अब दिन में नहीं चल रहा काम, रात में हो रहा है और रात भर जो है सो वायरों की जलने की स्मेल आ रही और हमारे बच्चों को जो है सो इफ़ेक्ट पड़ रहा, हम ज़्यादातर बीमार रह रहे हमारे बच्चे हम घरों में। ये मेहरबानी होती है एमपी साहब और जो है सो कलेक्टर साहब से अदबन गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म करवाइए। अस्सलाम वालेकुम एमपी साहब, आपसे गुजारिश है हमारी के काटा बाबा काटे का जो कारखाने हैं वो आप बर्खास्त कर सकते, यहाँ पे पूरे लोगों को बीमारियाँ हो रही। शास्त्रीपुरम नूर कालोमने में से बोल रही मैं, इधर पूरी लेडीज़ खड़ी हुई है, वो लोग ज़रा नहीं बोल सक रहे, मैं आगे आके बोल रही हूँ सबको, ज़ईफ लोगों को भी सांस में प्रॉब्लम हो जा रहा, आपसे इतनी गुजारिश है पूरे कारखाने आप बर्खास्त कर सकते हैं, आपसे गुजारिश है हमारी। मेरा नाम आमिना बेगम है, नूर कॉलोनी से बात कर रही हूँ मैं। शास्त्रीपुरम या नूर कॉलोनी कारखाने वो खुले हैं, उसकी वजह से बच्चों को, बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को परेशानी हो रही, बीमारियाँ आ रही, ये कारखाने बंद कराने आपसे गुजारिश है। क्या बीमारियाँ आ रही, क्या परेशानी हो रही है? कैंसर हो जा रहे, बीमारियाँ, खांसी, बुखार, छोटे बच्चों को टीबियाँ, बड़े जनों को, इसकी वजह से बोलना चाह रहे एमएलए साहब, अकबर उद्दीन साहब, जो भी है, मैं कुछ बोले नहीं आ रहा। असद साहब, ये परेशानियों को दूर कर दीजिए आप, शास्त्रीपुरम नूर कॉलोनी में है। यहाँ पे शास्त्रीपुरम में रहते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी कारखाने को जाते नहीं हम लोग, और यहाँ लोग काले पत्थर के लोग आके हम लोग शास्त्रीपुरम से बोल रहे हैं, बोल के लोग हम लोग को बदनाम कर रहे हैं, और शास्त्रीपुरम में हर लोगों को बीमारी है, आप जो भी है इसका हल जल्द से जल्द निकाल दो, पैसे खा रहे कौन, शुगर कौन, शुगर पेशेंट है, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, मगर यहाँ पे लोग कोई यहाँ का ये नहीं कर रहे, पैसे खिला रहे वहाँ पे कारखाने वाले वो कर दे रहे, हम लोगों को बहुत से बहुत परेशानी है, अब इसका हल जल्द से जल्द निकाल दो। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ नूर कॉलोनी में रहते, ये बाबा काटे के तरफ के कारखाने बंद करा दीजिए, आपको बहुत मेहरबानी होगी। आपसे सब हम सब भी गुजारिश करते हैं कि इससे बहुत तकलीफ़ है बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको तकलीफ़ है, खांसी हो रही है, इससे तबीयत ख़राब हो रही है, इससे हम सब परेशान हैं, अगर आप ये बंद करा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, हम आप सब दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये सब तकलीफ़ हमारी दूर कर दीजिए, आपसे बहुत बहुत गुजारिश है इससे के ये नूर कॉलोनी से। हम, मेरा नाम ख्वाजा बेगम है, मैं बोल रही हूँ आपसे। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज, दिस इज सक्सेस जूनियर कॉलेज। सक्सेस जूनियर कॉलेज, एकेडमिक एक्सीलेंस विद रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, एक्सीलेंट हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, वेल फर्निश्ड एंड हाइजीनिक क्लासरूम्स। एंड पार्थ सारथी,
प्रिंसिपल सक्सेस जूनियर कॉलेज नाउडेज ऑल कॉलेजेस आर गिविंग ओनली एजुकेशन बट इन अवर सक्सेस जूनियर कॉलेज मार्क्स अ डिफरेंस बाय गिविंग एजुकेशन विद ग्रेट डिसिप्लिन एंड डेवलपिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिशन लर्निंग मेड इजी विद एक्सप्लोरेटरी साइंस लैब सेपरेट बिल्डिंग एंड नमाज हॉल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.